अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही लगे घंटे के बटन को दबाएं, ताकि हम जब भी हमारे चैनल पर नया वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं GDS खबर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाक विभाग द्वारा जारी एक नशाई आदेश के बारे में। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई जा रही है। दोस्तों, इसका हेडलाइन आप देख सकते हैं, ग्रामीण डाक सेवकों के लिए अब आसान नहीं होगा हड़ताल करना। दोस्तों, हड़ताल करना आसान क्यों नहीं होगा, हम आपको इस वीडियो में पूरा विस्तारपूर्वक बताने वाले हैं। भारतीय डाक विभाग के महानिदेशालय ने एक आदेश जारी कर ग्रामीण डाक सेवकों के लिए हड़ताल करना बेहद मुश्किल कर दिया है। डाक विभाग द्वारा जारी 8 मई 2019 को जारी इस आदेश के अनुसार अब ग्रामीण डाक सेवकों द्वारा किए जाने वाले किसी भी हड़ताल की अवधि को ग्रामीण डाक सेवक आचरण एवं नियोजन नियमावली 2011 के नियम 23 का उल्लंघन माना जाएगा और इस अवधि को किसी भी प्रकार के अवकाश में समायोजित नहीं किया जा सकेगा। जारी होने की तिथि अर्थात 8 मई 2019 से प्रभाव इस आदेश के अनुसार। इस संबंध में इससे पूर्व जारी तमाम आदेश स्वतः निरस्त हो जाएंगे तथा अब से हड़ताल की अवधि को सेवा व्यवधान ब्रेक इन सर्विस माना जाएगा। गत 11 फरवरी 2019 को संपन्न पोस्टल बोर्ड की तीसरी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार किसी भी हड़ताल के दौरान ग्रामीण डाक सेवकों की ड्यूटी से अनुपस्थिति को न केवल गंभीरता से लिया जाएगा अपितु इस अवधि के लिए संबंधित ग्रामीण डाक सेवकों को TRCF, बोनस, महंगाई भत्ता और सवैतनिक अवकाश का भुगतान भी नहीं मिल सकेगा। इसके अलावा हड़ताल अवधि को ग्रामीण डाक सेवकों की सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले ग्रेच्युटी और सेवरेंस अमाउंट के भुगतान के लिए भी क्वालिफाई सर्विस में नहीं गिना जाएगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार के विभागीय पदोन्नति परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम सेवा अवधि की गणना में भी हड़ताल की अवधि को घटाकर न्यूनतम सेवा अवधि निर्धारित की जाएगी। इसी प्रकार सीनियरिटी के आधार पर मिलने वाली पदोन्नति में भी ग्रामीण डाक सेवकों द्वारा की गई हड़ताल की अवधि को जोड़ा नहीं जाएगा। देश भर के ग्रामीण डाक सेवकों ने पोस्टल बोर्ड के इस दमनकारी निर्णय का एक स्वर में विरोध किया है। इसे ग्रामीण डाक सेवकों के संवैधानिक अधिकारों पर कूड़ा गार्ड की संज्ञा दी है। ग्रामीण डाक सेवकों के सभी संगठनों ने सरकार के इस नादिरशाही रवैये की कड़ी शब्दों में निंदा की है तथा इसे गरीब ग्रामीण डाक सेवकों के प्रति क्रूरता करार दिया है। दोस्तों, इस पेपर की कटिंग के माध्यम से आप देख सकते हैं किस प्रकार से डाक विभाग द्वारा तानाशाही रूपी आदेश जारी कर दिया गया है, जिससे ग्रामीण डाक सेवकों के जो अधिकार है उनका हनन किया जा रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी खबर, ग्रामीण डाक सेवक अपने हक की लड़ाई के लिए हड़ताल करते हैं। जो ग्रामीण डाक सेवक की जो नियमितकरण की बहुत समय लंबे समय से जो मांग चली आ रही है उसे अभी तक डाक विभाग द्वारा पूरी नहीं किए गए और इसी को ऊपर डाक विभाग द्वारा जो ग्रामीण डाक सेवक विभिन्न विभिन्न ग्रामीण डाक सेवकों के साथ जो अन्याय हो रहा है उन सभी की मांगों को मनवाने के लिए हड़ताल करते हैं, उसको भी रोकने का एक प्रकार से प्रयास किया जा रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना बड़ा जो तानाशाही आदेश जारी किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से। दोस्तों, अगर अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने तमाम GDS परीक्षा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय GDS।